Good morning, students of class 12th. Today, we will begin with a new lesson, The Enemy, written by Pearl S. Burke from the book Vistas. This story is set at the time of the Second World War. It is a heart-rending portrayal of the conflict between man's head and heart. यह कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की है और बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी है. एन अमेरिकन सेलर इज वॉश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप्स ऑफ अ वेरी एमिनेंट जैपनीज सर्जन एंड साइंटिस्ट डॉक्टर सडाओ होकी. एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है, वहाँ पे एक अमेरिकन सेलर है जो कि इसको घायल अवस्था में है. अब वो पानी में नदी में बहता हुआ जो है, एक डॉक्टर जो है सर जापनीज डॉक्टर है, उसका नाम है डॉक्टर सडाओ होकी. वो बहता हुआ उसके घर के पास घर के किनारे नदी के किनारे वो पहुंच जाता है बहता हुआ. डॉक्टर सडाओ इज टॉर्न बिटवीन हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर एंड एज अ पेट्रियट. अब पेट्रियोटिक जापनीज, अब वो डॉक्टर सडाओ जब इस घायल जापनीज एनिमी सोल्जर को देखते हैं तब वो द्वंद्व की स्थिति में पड़ जाते हैं कि इसके साथ क्या करें, किसकी हम रक्षा करें, इलाज करें, या इसको हम जापनीज अधिकारियों को दे दें. हिज हार्ट इज़ टेलिंग हिम टू सेव द प्रिजनर व्हाइल हिज माइंड इज़ फाइटिंग टू टर्न हिम ओवर टू द पुलिस. उनका दिल, डॉक्टर सडाओ का दिल से तो ये बात आवाज़ निकलती है कि हमें डॉक्टर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और इस घायल जो सैनिक है उसको इसकी जान बचानी चाहिए. लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी सोचते हैं कि इसको पुलिस को दे देना चाहिए. इट इज़ अ डिफिकल्ट चॉइस टू डिसाइड whether वन शुड अलाउ वन सेल्फ टू बी governed by emotions और रीज़न. अब इनके लिए समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने भावनाओं में बह के जाएं या अपने दिमाग का इस्तेमाल करें. अब हम कहानी को आगे पढ़ते हैं. इट इज़ अ टाइम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज़ वॉश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट एंड इज़ फाउंड एट द डोर स्टेप्स ऑफ अ जापनीज डॉक्टर. जैसा कि हमने पहले बताया कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय है और एक अमेरिकन सोल्जर है वो घायल अवस्था में नदी में बहता हुआ एक जापनीज डॉक्टर के घर के पास आ जाता है जो कि जिसका घर नदी के किनारे था. शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पेट्रियट. डॉक्टर सडाओ होकी'स हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापनीज कोस्ट. अब डॉक्टर सडाओ होकी का जो घर है वो जापनीज एक किनारा है जो समुद्र का किनारा है उसके बगल में बना हुआ है. वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव द नैरो बीच. अब इनका जो एक स्टोन का बना हुआ घर है वो एक सी बीच के किनारे बना हुआ है, बेंट आउटलाइन विद बेंट पाइन. तो वहाँ पे पाइन के पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ हैं. एज अ बॉय सडाओ हैड क्लाइम्ब द पाइन सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट. अब जो सडाओ छोटे बच्चे थे तो अक्सर वो पाइन के पेड़ पे चढ़ जाते थे. एज ही हैड सीन मैन डू इन साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम फॉर कोकोनट्स. हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दोज एरियाज एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू सी टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड. अब उनके फादर जो थे जो डॉक्टर सडाओ को अक्सर जो है वहाँ के जो छोटे मोटे आइलैंड्स थे वहाँ पे ले जाते थे घुमाने इनको और वो देखते थे कि लड़का जो है काफ़ी बहादुर है. दोज आइलैंड्स योंडर दे आर द स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर फॉर द जापान. और ये इनके दिमाग में ये बात आ गई थी कि ये जो आइलैंड्स हैं द्वीप हैं ये जापान के फ्यूचर हैं, ये भविष्य हैं. Who knows his father had answered, who can limit our future? It depends on what we make it. Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. तो अपने father की बातों को बहुत मानते थे, जैसा वो कहते थे वो करते थे. His father would never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. उसके father जो थे इनके साथ बहुत ज़्यादा मजाक नहीं करते थे, लेकिन वो इनके मतलब इनके प्रगति में इनके बढ़ने में इनको काफ़ी सहायता करते थे, इनके जो सारे दुख दुख सुख दुख थे उनको बांटते थे. सडाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न. उनको पता था कि जो उनकी शिक्षा के लिए उनके फादर जो है
बहुत परेशान रहते हैं, उनके काफ़ी चिंतित रहते हैं. फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 21 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट ही कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन. और जब ये 21 साल के हो गए तो इनको अमेरिका भेज दिया गया डॉक्टरी पढ़ने के लिए, मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए. He had come back at 30, and before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. अब वो 30 साल की उम्र में वहाँ से अमेरिका से पढ़ के वापस आए, तब तक वो बहुत ही फेमस सर्जन बन गए थे और बहुत ही फेमस साइंटिस्ट भी बन गए थे. Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean, he had not been sent abroad with the troops. अब ये मिलिट्री के डॉक्टर बन गए थे, वो कि किसी उन्होंने कोई डिस्कवरी की थी जो कि घावों को जल्दी से ठीक किया जा सके, इसलिए उनको लड़ाई के मैदान में नहीं भेजा गया था. ऑल्सो ही न्यू दैट देयर वाज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन और अ कंडीशन फॉर विच ही वाज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली. और दूसरा कारण इनको लड़ाई के मैदान में ना भेजने का ये भी था, उनका जो जनरल था वो कुछ बीमार चल रहा था और इनको उस जनरल को इनके मदद की ज़रूरत थी, इसलिए सडाओ को जापान में ही रखा गया. क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ. द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स. अब क्या है कि आसमान में बादल घिरे हुए थे और द वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, अब पिछले कुछ समय की जो गर्मी थी उससे काफ़ी फॉग या भी वहाँ पर हो गया था. सडाओ वॉश्ड मिस्ट हाइड outlines of a little island near the shore. सडाओ देखते हैं कि जो मिस्ट है, जो बर्फ के जो आसमान में जो बर्फ मतलब पिघलने से जो एक धुंध सा बन जाता है, इसको मिस्ट बोलते हैं. वो कह रहा है कि वो पूरे एक सामने एक आइलैंड को कवर कर रहा था. क्रीपिंग अप द हाउस बिलो द हाउस रीथिंग अराउंड द पाइन्स. और वो जो पाइन ट्रीज था उनको अभी कवर कर रहा था. इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू. Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the two children. अब उनको लगा कि अब जो fog है या mist है ये उनके घर को भी पूरा cover कर लेगा. और तब वो ऐसा होगा कि वो अपने घर के अंदर जाएंगे जहाँ पर उनकी वाइफ है Hannah, वो उनके लिए वेट कर रही होगी. But at this moment the door opened and she looked out, a dark blue woolen hovering over her kimono. She came to him affectionately and put her arm through. His as he stood smiled and said nothing. अब इसी बीच वो देखते हैं कि उनके घर का दरवाज़ा खुलता है और उनकी वाइफ जो है वो अपना ट्रेडिशनल जो जापानीज ड्रेस होता है किमोनो पहन के बाहर आती है. She came to him affectionately and put her arm around his as he stood smiled and said nothing. He had met Hannah in America. अब हैना से ये अमेरिका में मिले थे पहली बार, but he had waited to fall in love with her until she was sure she was Japanese. अब वो चाहते थे कि ये जो है, चूँकि ये है ना अमेरिकन थी, चाहते थे कि ये जब से पूरे जापानीज सभ्यता में ना ढल जाए तब तक वो उनसे शादी नहीं करेंगे. हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस. अब उसके जो सडाओ के फादर थे ये हैना को तब तक एक्सेप्ट नहीं करते जब तक ये पूरी तरह से जापानीज कल्चर में ना ढल जाती. He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, but and by what luck he had found her in the most casual way, by chance literally. अब डॉक्टर हैना सडाओ को ये नहीं लगता है कि अगर वो हैना से ना शादी करते तो किसी और से नहीं कर सकते थे. The professor and his wife had been kind people, anxious to do something for their few foreign students. And the students, though bold, had accepted this kindness. और जो प्रोफेसर सडाओ थे उनकी वाइफ थी काफ़ी दयालु स्वभाव के थे और अपने जो उनके जो फॉरेन के स्टूडेंट थे उनका भी वो काफ़ी ख्याल रखते थे. सडाओ हैड ऑफन टोल्ड हैना हाउ नियरली ही हैड गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज़ हाउस दैट नाइट. अब सडाओ अक्सर वो बताया करते थे सहना को कि किस कब वो प्रोफेसर हार्ली के घर गए थे एक रात. द रूम वॉज वेरी स्मॉल, द फूड सो बैड, द प्रोफेसर वाइफ सो वॉल्यूबल. और कह रहा है कि उनका जो कमरा था बहुत ही छोटा था और जो खाने को दिया गया वो भी बहुत ख़राब था और प्रोफेसर हार्ली थे उनकी वाइफ वॉज सो वॉल्यूबल, मतलब उनकी आवाज़ बहुत तेज़ थी. बट ही हैड गॉन देयर
ही फाउंड हैना. ये वही जगह थी जहाँ पर वो हैना से पहली बार मिले थे. अ न्यू स्टूडेंट एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वेर एट ऑल पॉसिबल. और उसके मतलब उसे देखते ही उसे प्यार करने लगे थे. नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म. नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म. तो हैना कहा तो उसके आर्म के हाथ के ऊपर वो फील किए एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम. इवन दो दे हैड बीन मैरिड इयर्स इनफ टू हैव द टू चिल्ड्रन. अब क्या है कि उनको जब हैना ने उनके हाथ को पकड़ा तो उनको बहुत ही अच्छा लगा, जबकि दो बच्चे इनके हो चुके थे अब तक. फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका. दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड गॉन होम टू जापान एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड. अब ये क्या हुआ कि तुरंत उन्होंने वहाँ पर अमेरिका में इनसे शादी नहीं कर ली थी. अब वो दोनों लोग साथ अमेरिका जापान आ गए थे, जहाँ पर इनके फादर जब कन्विंस हो गए कि ये जो लड़की है पूरी जापनीज कल्चर में ढल गई है, तब ये शादी हुई. Although Sadao and Hannah had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. They laid her cheek against his arm. It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. अब ये समुद्र किनारे खड़े थे हैना और सडाओ, तो देखते हैं कि वो जो मिस्ट के अंदर से एक काली सी चीज़ पानी में से निकल रही है. इट वॉज़ अ मैन ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन. तो उन्होंने देखा कि वो एक आदमी है जो ऊपर की तरफ आके बह रहा है. इट सीम टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर. ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स. वो जो है लड़खड़ाते हुए पानी से बाहर आता है. हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट. उसकी बॉडी जो है मिस्ट से बाहर दिखाई दे रही है. हिज आर्म्स अबव हिज हेड. देन ही कर्ल्ड मिस्ट हिट हिम अगेन. फिर वो मिस्ट के अंदर वो आदमी ढक जाता है. हु इज दैट हैना क्राइड. She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. So Hannah पूछती है who is that? कौन है वहाँ पे? और वो वहाँ पे देखने लगती है railing, veranda की railing पे खड़े होकर वो देखती है उसको. Now they again saw him again. The man was on his hands and knees crawling. अब वो देख रहे हैं कि वो आदमी जो निकला है वो अपने हाथ और पैर पे घिसट के क्रॉल करके बाहर आ रहा है. Then they saw him fall on his face. वो देखता है कि वो आदमी अपने मुंह के बल गिर गया है. A fisherman perhaps, Sadao said, washed from his boat. He ran quickly down the steps and behind him, Hannah came her white sleeves flying. तो सडाओ बोलते हैं कि ये शायद कोई फिशरमैन है जो अपने बोट से गिर गया है और बहता हुआ किनारे पे आ गया है. A mile or two away on either side there were fishing villages, but there was only the bare and lonely coast. अब वो वहाँ पे एक दो मील दूर तक वहाँ पे ये फिशरमैन के मतलब मछुआरों के गांव थे, इसलिए उनको लगा कि कोई मछुआरा जो है नदी से में गिर के बहता हुआ आ गया है. The surf beyond the beach was spiked with rocks. और जो किनारे का बीच का किनारा था वहाँ पे बहुत से पत्थर पड़े हुए थे. Somehow the man had managed to come through them. और जो आदमी था किसी तरह से इन पत्थरों के बीच से निकल के बाहर आया. They saw when they came towards him that indeed it was so. The sand on one side of his of him had already a stain of red soaking through. अब जब वो जब बाहर निकल के आया तो उन्होंने देखा कि उनका जो एक आदमी का जो हाथ है वो घायल होकर खून बह रहा है. He is wounded, Sadao exclaimed. Sadao बोले कि ये घायल है. He made haste to the man who lay motionless, his face in the sand. अब उस आदमी के पास जाते हैं जो बालू में गिरा हुआ है, उसका फेस जो है बालू में अंदर ढका हुआ है. An old cap stuck on his head, soaked with sea water. और उसके सर पे एक पुराना सी कैप पहने हुए है. रुक जाओ अभी. He was in wet rags of garments. वो जो है गीले कपड़े पहने हुए, ऑब्वियसली पानी से निकला है तो गीले ही होंगे. Sadao stopped Hannah at his hand and turned the man's head. They saw the face. A white man, Hannah whispered. तो Hannah बोलती है कि ये एक अंग्रेज मतलब ये अमेरिकन आदमी है. Yes, it is a white man. You know. Yes, it is a white man.
The wet cap fell away, and there was his wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut. तो वो डॉक्टर सडाओ भी बोलते हैं कि ये वाइट मैन है, मतलब अमेरिकन है. द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर. अब जो कैप था वो गिर गया और उसका जो येलो हेयर जो अमेरिकन को होता है लंबा हेयर वो था. इट हैड नॉट बीन कट, बहुत समय से वो बाल कटा नहीं था इसलिए वो लंबा हो गया था. एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वाज अ रफ येलो बियर्ड. और एक मतलब दाढ़ी भी लंबी हो गई थी क्योंकि बहुत समय से वो कटी नहीं थी. सडाओ now Sadao remembered the wound and with his expert fingers he began to search for it. Abu Sadao jo hai unka jo dhyan uske wound se ya ghav par gaya. Ab wo uski apni ungliyon se usko dekhne lage. Blood flowed freshly at his touch. Ab wo jab ungliyon se wounds ko dekhne lage to taza khoon behne laga. On the right side of his lower back Sadao saw that a gun wound had been reopened. अब क्या हुआ, ऑन द राइट साइड ऑफ इज लोअर बैक, जो दाहिना तरफ जो लोअर बैक का जो दाहिना साइड था उन्होंने देखा कि इसमें गोली लगी हुई है. द फ्लश वॉज ब्लैक एंड विथ पाउडर, और जो घाव था काला पड़ गया था. सम टाइम नाउ नॉट मैनी डेज अगो द मैन हैड बीन शॉट एंड नॉट बीन टेंडर्ड. कह रहा कि ये गोली कई दिन की लगी हुई है और इस पर जो है इसका कोई इलाज नहीं हुआ है. इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड. और वो जो घाव था वो मतलब पत्थर से टकरा के और भी ख़राब हो गया था. ओ हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, हैना विस्पर्ड अगेन इन अ सॉलेम वॉइस. तो जहना है वो बोलती है कि ये काफ़ी खून बह रहा है. द मिस्ट स्क्रीम देम नाउ कम्प्लीटली एंड एट दिस टाइम ऑफ द डे नो वन केम. अब उस समय वहाँ पे कोई नहीं था उनकी मदद के लिए. द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स विल हैव कंसिडर द डे एट एन एंड. तो कह रहा जो फिशरमैन थे बछुआरे थे वो भी चले गए थे और जो शाम को घूमने बीच पे घूमते लोग आते हैं वो भी घर चले गए थे. वॉट शैल वी डू विद दिस मैन, सडाओ मटर्ड. सडाओ बोलते हैं अब हम इस आदमी के साथ क्या करें. बट हिज ट्रेन हैंड सीम्ड ऑफ द ओन विल टू बी डूइंग व्हाट दे कुड टू स्टांच द फियरफुल ब्लीडिंग. बट हिज ट्रेन हैंड सीम्ड ऑफ द ओन विल टू बी डूइंग. तो उन्होंने सोचा कि अब हम जो ट्रेन सर्जन तो थे ही, उन्होंने सोचा कि अब हम इसको कुछ करेंगे जिससे कि इसका घाव जो है ब्लीडिंग रुक जाए. ही पैक द वुंड विद द सी मॉस. तो जो सी मॉस के किनारे किनारे जो काई होती है उससे उन्होंने जो घाव था उसको भर दिया. एंड स्ट्रूड द बीच. द मैन मूंड विद पेन इन हिज स्टुपर. अब वो जो घाव जो आदमी था अमेरिकन सोल्जर वो मूंड इन पेन, मतलब वो कराह रहा था दर्द से. द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू बी टू पुट हिम बैक इन द सी. सडाओ पहले सोचते हैं कि इसको हम फिर नदी में समुद्र में डाल देते हैं. सडाओ सेड आंसरिंग हिमसेल्फ, नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स. अब जो अब चूँकि खून बंद हो गया था तो वो आदमी अपने को झाड़ के खड़ा हो जाता है सामने. येस अनडाउटेडली दैट वुड बी द बेस्ट, हैना सेड स्टेडली. तो अमेरिका जो हैना थी से बोली कि हाँ यही ठीक होगा कि वो इसको हम नदी में डाल देते हैं, समुद्र में डाल देते हैं. बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन. फिर भी वो जो आदमी जो घायल अवस्था में था उसको देख रही है. इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन अ हाउस वी शुड बी अरेस्टेड एंड इफ़ वी टर्न्ड हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई. अब उस लोग सोचते हैं कि अगर इस आदमी को हम अपने घर में शरण देते हैं, बचाते हैं, तो हम अरेस्ट कर लिए जाएंगे इसलिए कि हमने एक एनिमी सोल्जर को की मदद की है, और अगर हम इसको जेल में भेज देते हैं तो ये जरूर मर जाएगा. द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हैना सेड. तो कहना बोलती है कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसको दोबारा हम समुद्र में डाल दें. बट नीदर ऑफ देम मूव, दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्शन अपॉन द इनर्ट फिगर. अब वो ये सब कहने के बाद भी वो इस आदमी की तरफ दया भाव से देखते हैं, सोचते हैं कि ये क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है. वॉट इज़ ही, हैना विस्पर्ड. There is something about him that looks American. तो वो बोलता है सडाओ कि ये देखने में तो अमेरिकन लगता है. सडाओ said, he took up the battered cap. Yes, they're almost gone with the faint lettering, a sailor. तो वही पता उसका जो कैप को देखते हैं उससे पता चलता है कि ये कोई सेलर है. He said, from the American warship. He spelled it out, U.S. Navy. उसके कैप पे लिखा था U.S. Navy.
द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। अभी समझ में बात आ गई कि ये आदमी जो है प्रिजनर ऑफ वॉर है, यानी युद्ध कैदी है। ही हैड एस्केप्ड हैना क्राइड सॉफ्टली एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वाउंडेड। तो कहना बोलते ये जरूर जो है जहाँ POW कैंप से भागा है, इसलिए वो घायल हो गया है। इन द बैक सडाओ एग्रीड। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, देन हैना सेड विद रेजोल्यूशन। अब एक दूसरे को इधर से देख रहे हैं, फिर हैना बोलती है कम आर बी एबल टू पुट हिम बैक इन द टू द सी। और चलो देखते हैं इसको हम दोबारा समुद्र में डाल सकते हैं कि नहीं। इफ़ आई एम एबल आर यू, सडाओ आस्ट। नो हैना सेड, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन। कहला कि तेरा सडाओ बोलती है कि अगर आप कर सकते हैं तो अकेले इसको नदी में समुद्र में डाल दें। सडाओ हेजिटेटेड अगेन। द स्ट्रेंज थिंग इज ही सेड दैट इफ द मैन वेयर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। अभी फिर सडाओ को थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, हिचक होती है। वो कहते हैं द स्ट्रेंज थिंग इज, कह रहा है कि इफ़ द मैन वेयर होल, कह रहा है अगर आदमी सही हालत में होता तो हम इसको पुलिस को दे देते। आई केयर नथिंग फॉर हिम, ही इज़ माई एनमी, चूँकि हमारे एनमी कंट्री का है, अमेरिका का है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनमी एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज़, बट सिंस ही इज़ वाउंडेड। फिर सोचता है कि चूँकि ये घायल है और एक डॉक्टर है, उसकी ये मतलब ये ड्यूटी है कि वो सोल्जर की मदद करे। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हैना सेड। हैना बोलती है कि अब डॉक्टर के तौर पर डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि आप इसको दोबारा समुद्र में नहीं फेंक सकते। देन देर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस। अब वो कहता है सडाओ कि हमें चलो अब हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि इसको उठा के अपने घर में ले जाएँ। बट द सर्वेंट सडाओ इंक्वायर्ड, वो जो सडाओ पूछते हैं कि अभी इसको हम घर में ले जाते हैं, हमारे सर्वेंट्स अगर देखेंगे तो क्या समझेंगे या वो क्या कहेंगे। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, एज इन डीड वी मस्ट सडाओ। तो सब जो सेना होती है वो बोलती है कि हम अपने सर्वेंट्स को ये बोलेंगे कि हम इसको ले आए हैं, फिर हम इसको पुलिस को दे देंगे। यू मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन, इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस। कह रहा कि अगर हम इसको कहती है अगर हम इसको अपने घर में रखते हैं तो हमारे बच्चों को भी खतरा हो सकता है। एंड इफ यू डिड नॉट गिव हिम एंड इफ यू डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, तो हमारे घर में भी खतरा कर सकता है। सडनली सडाओ एग्रीड, आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। सडाओ अभी इस बात से राजी हो गए। दस एग्री टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, ही वॉज वेरी लाइट लाइक अ फाउल दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये दोनों लोग इस आदमी को उठा के ले जाते हैं जो कि बहुत दिनों से खाया पिया नहीं था, कमज़ोर था, तो काफ़ी चिड़िए की तरह से बहुत कमज़ोर हो गया था, और इसके लिए उठा के उसको आसानी से उठा के उसको घर में ले गए। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, दे कैरीड हिम अप टू द स्टेप्स एंड इनटू द साइड रूम। उसको उठा के वो ऊपर के स्टोरी में ले जाते हैं और साइड रूम में इसको रख देते हैं। दिस डोर ओपन इनटू अ पैसेज, अब दरवाज़ा एक पैसेज की तरफ खुलता था। एंड नाउ द पैसेज दे कैरीड द मैन टूवर्ड्स द एम्प्टी बेडरूम, एक एम्प्टी बेडरूम में ले जाते हैं। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सडाओ'स फादर एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड। और ये बेडरूम था, उनके फादर का बेडरूम था और उनके मरने के बाद उसको यूज़ नहीं किया गया था। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, एवरीथिंग हियर हैड बीन जैपनीज टू प्लीज द ओल्ड मैन हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड। अब ये जो उस रूम के अंदर जो सारी चीज़ें जैपनीज तरीके से रखी गई थी, वहाँ पर ऐसा कोई बेड नहीं था या कोई फॉरेन की चीज़ नहीं थी, क्योंकि उनके फादर को फॉरेन की चीज़ों से काफ़ी नफरत थी। हैना वेंट टू द वॉल कबर एंड स्टेड बैक अ डोर एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट। उन्होंने एक अलमारी खोली, वहाँ से एक क्विल्ट मतलब एक रज़ाई निकाली। शी हेजिटेटेड, द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ लार्ज सिल्क एंड लाइनिंग विथ प्योर वाइट सिल्क। ही इज़ सो डर्टी, शी मर्मर्ड। तो कहती कि आदमी तो बहुत ही गंदी हालत में है, गंदा है। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड। सडाओ एग्री, तो कहती है इसको आदमी पहले तुम्हें नहलाना चाहिए। इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, तो कहती है तुम गर्म पानी लाओ तो हम धो लेंगे। डॉक्टर सडाओ बोलते हैं आई कैनॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, शी सेड वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हियर। तो कह रहा है कि हम ये तुम्हें अकेले तुम इसको नहीं धो पाओगे, हमें सर्वेंट्स को ही बुलाना चाहिए। आई विल टेल यूमी नाउ, तो यूमी उसके सर्वेंट है, वो कहते हैं कि हम इसको यूमी को बुलाते हैं। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम, अब वो इस आदमी को नहला सकती है। सडाओ कंसिडर्ड अ मोमेंट, लेट इट बी सो, ही अग्रीड।
यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स. तो कहते तुम यू कहते हैं सडाउ तुम यूमी को बता दो कि इसको नहला दे और हम बाकी सर्वेंट्स को भी बताते हैं. बट द अटर पैलर ऑफ द मैंस अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स. क्योंकि आदमी जो बड़े के बिल्कुल ही घायल अवस्था में पड़ा था तो डॉक्टर जो सडाउ थे उसकी पल्स को देखते हैं. इट वॉज फेन बट इट वॉज देयर. कह रहा है कि उनकी पल्स काफ़ी हल्की चल रही थी फिर भी चल रही थी. इट पुट इज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट. उसके छाती पर अभी अपना हाथ रखते हैं. द हार्ट टू वॉज येट अलाइव. तो कह रहा है कि उसका दिल भी काम भी कर रहा है चूँकि ये जिंदा है. He will die unless he is operated on, Sadao said considering. The question is whether he will not die anyway. जो क्या सडाओ बोले कि अगर इसका हम ऑपरेशन नहीं करते हैं तो आदमी मर जाएगा. हैना cried out in fear. Don't try to save him. What if he should live? कह रहा हैना जोर से चिल्लाती है कि इसको बचाने की कोशिश मत करो. अगर ये बच भी गया तो मेरे किस काम का है. What if he should die? Sadao replied. सडाओ बोलते हैं अगर ये मर गया तो क्या होगा. He stood gazing down on the motionless man. अब वो जो आदमी जो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था उसकी तरफ वो देखते हैं. This man must have extraordinary vitality or he would have been dead. सोचते हैं कि आदमी जरूर जो है अंदर से काफ़ी मजबूत रहा होगा तब ये इतनी घायल होने के बाद भी बच गया है. But then he was very strong perhaps not yet 25. ये 35 साल से ज़्यादा का नहीं था. You mean die from the operation? तो वाइफ बोलती है कि हो सकता है ये ऑपरेशन टेबल पे ही मर जाए. है ना आस्क ये सडाओ सेड. है ना कंसिडर दिस डाउटफुली. एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सडाओ टर्न अवे. एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम. तो सडाओ सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो आदमी के साथ करना ही पड़ेगा. एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड. ही मस्ट क्विकली ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हैना केम बिहाइंड हिम. वो रूम में जाते हैं और हैना उनके पीछे पीछे आती है. She did not wish to be left alone with the white man. He was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those. अब वो जो है वो सेना जो है वो नहीं चाहती कि इस आदमी के साथ वो रूम में अकेले रहे क्योंकि वो अमेरिका से आने के बाद ही पहला अमेरिकन था जिसको ये देखी थी. Here he was her enemy. अब यहाँ पे जो अमेरिकन है जापानीज का एनिमी है. She turned to the nursery and called Yumi. अब वो यूमी को बुलाती है. But the children heard her voice and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby a boy. अब चूँकि इसकी हैना की आवाज़ बच्चे सुन लेते हैं तो उसके पास तो इसको बच्चे के पास जाना पड़ता है कि उनको शांत करे उनको खुश रखे. Now nearly 3 months old. इनका जो बच्चा था 3 months old था. Over the baby's soft black hair she motioned with her mouth. Yumi come with me. तो यूमि सबको बोलती है तो मेरे साथ आओ. I'll put the baby to bed. Yumi replied. She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilt on the floor and laid the baby between them. अब ये जाती यूमि के साथ जाती है बेडरूम में और बच्चे को वहाँ पे सुला देती है. Then Hena led the way quickly and started to the kitchen. The two servants were frightened at what the master had just told them. अब जिसके दो और नौकर होते हैं वो सुनकर काफ़ी घबरा जाते हैं कि उनके जो मालिक हैं डॉक्टर सडाओ उन्होंने अमेरिकन प्रिजनर के बारे में क्या बताया है. द ओल्ड गार्डनर हु वाज आल्सो अ हाउस सर्वेंट पुल्ड अ फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप. द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन ही सेड. जो गार्डनर होता है बोलता है कि जो उनका जो सडाओ को इस आदमी का इलाज नहीं करना चाहिए. द वाइट मैन ऑट टू डाई. और इसको मरने के लिए छोड़ देना चाहिए. फर्स्ट ही वॉज शॉट देन द सी कॉट हिम एंड वुंडेड हिम विद द रॉक्स. कहता है पहले तो ये इसको गोली लगी हुई है फिर ये नदी में बहता हुआ आया है और जो पत्थरों से टकरा के इसका जो घाव है वो भी और भी ख़राब हो गया है. इफ़ द मास्टर हील्स वॉज द गन डेड एंड वॉज द सी डेड दे विल टेक रिवेंज ऑन अस. कह रहा है कि अगर उसका मालिक अगर इसको बचाता है तो जापानीज जो हैं वो इनसे बदला लेंगे. आई टेल हिम वॉट यू से हैना रिप्लाइड कर्टियसली. तो हैना बोलती है जो तुम कह रहे हो वो हम डॉक्टर सडाओ को बता देंगे. बट शी हर्सेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज. लेकिन वो फिर भी हैना भी काफ़ी डरी हुई है लेकिन वो इतनी सुपरस्टिशियस या अंधविश्वासी नहीं है. कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी. सोचती है क्या ये ठीक रहेगा कि हम एक एनिमी को मदद करें.
Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room. फिर वो यूमी से कहती है तुम गर्म पानी लेके कमरे में आओ where the white man was. She went ahead and slid back the partition. जाती है जो पार्टीशन है रूम का उसको ढक देते बंद कर देती है. Shadow was not yet there. Yumi following put down her wooden bucket. अब यूमी जो है लाके वहाँ पे वुडन बकेट वहाँ पे रख देती है. Then she went over to the white man. When she saw him, her thick lips. Then she went over to the white man. When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. अब वो जाके जब सफ़ेद आदमी जो अमेरिकन आदमी को देखती है तो उसके जो लिप्स थे वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं. I have never washed a white man, she said, and I will not wash a dirty one now. तब यूमी बोलती कि हम इतने गंदे आदमी कभी नहीं धोए साफ करी है और हम ये नहीं करेंगे. हैना cried at her severely. You will do what your master commands you. तो हैना बोलती है तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि हम कह रहे हैं. There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face that Hannah felt unreasonably afraid. अब जो यूमी थी उसके मुंह पे काफ़ी मतलब ये स्टबननेस काफ़ी वो इस बात से काफ़ी लेके काफ़ी मतलब पक्के तौर पे दिख रहा था कि वो ये काम नहीं करना चाह रही थी. इसलिए वो हैना थी वो भी डर गई. आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट इट वॉज नॉट एज इट हैपेंड तो सोचती है डर जाती कहीं ये नौकर जो है जापानीज अथॉरिटीज़ को जाके रिपोर्ट ना कर दे कि यहाँ पे एक अमेरिकन सोल्जर है. वेरी वेल शी सेड विद डिग्निटी यू अंडरस्टैंड वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर टू एज अ प्रिजनर. तो उसको समझाती है ना कि हम सब इतना चाहते हैं कि आदमी अपने होश में आ जाए जिससे कि हम इसको वापस जापानीज अथॉरिटीज़ को दे दें. आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट यूमी सेड. यूमी बोलती है हम इसके साथ कुछ नहीं करेंगे. आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस. कह रहा हम एक गरीब औरत हैं ये मेरा काम नहीं है. देन प्लीज हैना सेड जेंटली ही रिटर्न टू यू रिटर्न टू योर ओन वर्क. एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम बट दिस लेफ्ट हैना विद द वाइट मैन अलोन. शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमी स्टबर्नेस नाउ सस्टेन्ड हर. अभी क्या हुआ हैना यूमी के जाने के बाद हैना उस रूम में अकेले रह गई और वहाँ पे ऐसा वो अकेले ना रहती चाहिए अगर वो जो यूमी है बिल्कुल जोर से ये ना कहती कि वो इस काम को नहीं करेगी. स्टूपिड यूमी शी मर्डर्ड फियर्सली. इज दिस एनीथिंग बट अ मैन एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन. कह रहा है कि ये तो सिर्फ एक घायल बेचारा सा आदमी है. इन द कन्विक्शन ऑफ ओन सुपीरियरिटी शी बेंट इंपल्सिवली एंड अनटाइड द नॉटेड रग्स दैट कैप द वाइट मैन कवर्ड. अब वो कह रहा है कि अब जो है ना है वो उस आदमी का जो जो कुछ पट्टियाँ वगैरह बंधी थी उसको खोलती है. वैन शी हैड इज ब्रेस्ट बेयर शी डिप्ड अ स्मॉल क्लीन टॉवल दैट यूमी हैड ब्रॉट इन टू द स्टीमिंग हॉट वाटर. अब उसका जब छाती जब खुल जाती है उस आदमी की तो वो जो एक तौलिया जो गर्म पानी में यूमी ला के रखी थी उसको उससे उसको साफ करती है उसकी छाती को. द मैन स्किन दो रफ विद एक्सपोजर वॉज ऑफ फाइन टेक्सचर. उसका जो आदमी का जो स्किन था काफ़ी स्मूथ था फाइन था. एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड. व्हाइल ही वाज थिंकिंग दीज थॉट्स डू नॉट रियली लिंकिंग द मैन बेटर नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर अ चाइल्ड शी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम. अब वो ये सब बातें सोचते हुए उस आदमी के जो घाव से उसको धोती रहती है. अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन. जब तक कि उसकी जो ऊपर की बॉडी है काफ़ी साफ नहीं हो जाती. बट शी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर. फिर भी उसको उलट के नहीं देखती है. वेयर वॉज सडाउ नाउ हर हंगर वॉज एबिंग एंड शी वॉज एंशियस अगेन एंड शी रोज वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल. अब इस बीच में काफ़ी भूखी हो जाती है ना और वो एक टॉवल से अपने हाथ को पोंछती है. देन लेस द मैन बी चिल्ड शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम. वो सोचती है कि इसको ठंडा लगेगा लग रहा होगा इसलिए वो जो रज़ाई है उसके ऊपर डाल देती है. सडाओ शी कॉल सॉफ्टली. सडाओ को बुलाती है. He had been about to come in when she called. His hands had been on the door and now he opened it. अब वो जब बुलाती है तो सडाओ अंदर आ जाते हैं.
She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat. वो देखती है कि जो surgeon का जब जो tools होते हैं operation के वो लेके आते हैं. You have decided to operate, she cried. Yes, he said shortly. तो सड़ा कहते हैं कि हम इसका operation करेंगे. He turned his back to her and unfolded a sterilized towel upon the floor of the tokonoma alcove and put his instruments out upon it. तो वो एक sterilized towel निकालते हैं और जो उनके instruments होते हैं वो उस पर रख देते हैं. Fetch towels now, he said. तो हैना से कहते हैं और towels ले आओ. She went obediently, but how anxious now. To the linen shelves and took out the towels. वो जाती है और towels निकाल के लाती है. There ought to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. So, कहते हैं कि आप थोड़ा सा मैट नीचे डाल दो जिससे कि जो खून बहेगा वो फ्लोर को ना गंदा कर दे. She went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs. So, वहाँ जाती है गार्डन में जहाँ पे पुराने मैट रखे थे. But when she went back into the room, she saw this was useless. वो जब रूम में जाती है तो रूम में लेके जाती है तो देखती है कि ये तो बेकार हैं. The blood had already soaked through the packing in the man's wound and had ruined the mat under him. क्योंकि वो फिर भी ये देखती है कि जो मैट लगाने के बाद भी जो है वो खून जो है नीचे बह के चला जाता है और फ्लोर को गंदा कर देता है. Yes, it is ruined, Sadao replied, as though he did not care. Help me to turn him. तो कहता है कोई फर्श खराब हो गया कोई बात नहीं अब तो मुझे हेल्प करो कि हम इस आदमी को दूसरी तरफ घुमा पाएँ. She obeyed him without a word and he began to wash the man's black carefully. अब वो जिसका जो उसको आदमी को एक तरफ घुमा देती है दूसरी तरफ और Yumi would not wash him, she said. Yumi को कहती Yumi इसको नहलाई नहीं. Did you wash him then? तो Yumi सड़ा पूछते क्या तुमने इसको नहलाया. Sadao asked, not stopping for a moment. His swift, concise movements. Yes, she said. तो वो बोलती है ना कि हमने इसको नहलाया है. He did not seem to hear her. She was used to his absorption when he was at work. तो वो इस बात को जो सदाओ है सुनते नहीं हैं क्योंकि अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि हैना की बात को नहीं सुनते. She wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long. अब ये सोचती है कि इस डॉक्टर सदाओ को फ़र्क नहीं पड़ता वो किस आदमी के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं क्योंकि वो डॉक्टर हैं उनका काम है आदमी को बचाना. You will have to give the anesthetic if he needs it, he said. तो हैना से बोलते हैं तुम्हें इसको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़ती है. She repeated blankly, but never have I. तो हैना बोलती है हमने तो कभी किसी को एनेस्थीसिया दिया नहीं है. It is easy enough, he said impatiently. बोलते हैं कि बहुत ही आसान सा काम है. He was taking out the packing now and the blood began to flow over more quickly. अब जब जो पैकिंग था बैंडेज था जब वो हटाए तो ब्लड जो है और तेज़ी से बहने लगा. He peered into the wound with the bright surgeon's light fastened on his forehead. अब वो जो सर्जन के ऊपर हेड के ऊपर जो फोरहेड पे जो लाइट लगी होती है वो उस लाइट से उसके उसके वो वुंड के जो घाव है उसकी गहराई को देखते हैं. द बुलेट इज स्टिल देयर, कहते हैं जो बुलेट अभी भी इसके अंदर ही है. He said with a cold interest, now I wonder how deep this rock wound is. अब वो समझ पाते हैं कि एक तो बुलेट इसके अंदर है दूसरा जो जो पत्थर से टकरा कर जो वुंड है और गहरा हो गया है. If it is not too deep, it may be, but I can get the bullet. कह रहा कि अगर बहुत गहरा नहीं होगा तो हम इसको बुलेट को निकाल पाएंगे. But the bleeding is not superficial. फिर कहते हैं ये ब्लीडिंग तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है. He has lost much blood. At this moment, Hannah choked. He looked up and saw her face the color of sulfur. अब वो ये सब देख के हैना का जो फेस है बिल्कुल पीला पड़ जाता है. Don't faint, he said sharply. He did not put down his exploring instrument. If I stop now, the man will surely die. वो कहते हैं अगर हम ऑपरेशन नहीं करेंगे तो आदमी ज़रूर मर जाएगा. She clapped her hands at her mouth and leaned up and ran out of the room. तो है ना अपने हाथ को अपने हाथ से अपना मुंह ढक देती है और रूम के बाहर चली जाती है. Outside in the garden, he heard her retching, but he went on with his work. अब वहाँ जाके वो ऑपरेशन की आवाज़ सुनाई पड़ती है उसको और वो अपने डॉक्टर सदाओ अपने काम में बिजी रहते हैं. It will be better for her to empty her stomach, he thought. He had forgotten that of course
He had never seen an operation, but her distress and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with the man who lay like dead under his knife. अब वो समझ जाते हैं कि हेना ने कभी किसी ऑपरेशन को नहीं देखा, इसलिए वो काफ़ी परेशान है. This man, he thought, there is no reason under heaven why he should live. अब वो सोचते हैं कि इस आदमी को तो मर ही जाना चाहिए, इसका कोई कारण नहीं है कि ये जिंदा रहे. Unconsciously, this thought made him ruthless and he proceeded swiftly. In his dream, the man moaned. अब वो जो आदमी जो है कराह रहा है, but Sadao paid no heed except to mutter at him. Groan, he muttered. Groan if you like. I am not going doing this for my pleasure. तो क्या वो कहते हैं कि तुम जो इतना कराह रहे हो, हम ये काम अपने खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं. In fact, I do not know why I am doing it. हमें ये पता भी नहीं कि हम तुम्हारे लिए ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं. द डोर ओपन एंड देयर वाज हेना अगेन. फिर दरवाज़ा खुलता है और हेना आके खड़ी हो जाती है. वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, शी आस्क्ड. कहती है एनेस्थीसिया कहाँ पर है. सडाओ मोशन विद हिज चिन. तो सडाओ अपना चिन्ह हिला के बताते हैं. इट इज़ एज वेल, इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक. कहता है अच्छा है तुम आ गई. दिस फेलो इज़ बीइंग बिगिनिंग टू स्टर. ये आदमी काफ़ी हिलडुल रहा है. शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड. वो एनेस्थीसिया की बॉटल लेके आती है और अपने हाथ में कॉटन लेके इसको सुंघाती है. बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड. सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल. तो कहते हैं कि तुम थोड़ा सा एनेस्थीसिया कॉटन में ले लो और उसके नाक के आगे लगा दो. सडाओ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क. व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली, मूव इट अवे अ लिटिल. जब वो तेज़ी से सांस ले तब वो उसके कॉटन वहाँ से हटा दे रहा. शी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन. तो वो जो अमेरिकन था टेबल पर पड़ा हुआ, उसके काफ़ी नज़दीक चली जाती है झुक के. इट वॉज अ पिटियस थिन फेस, शी थॉट. द लिप्स वर ट्विस्टेड. वो देखती है कि बहुत ही कमज़ोर सा आदमी है जिसके जो लिप्स हैं वो कमज़ोरी से ट्विस्ट हो गए हैं, मुड़ गए हैं. द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट. तो ये आदमी काफ़ी तकलीफ़ में है. वॉशिंग हिम, शी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग ऑफ द प्रिजनर्स वर ट्रू. अब उनके समझ में आता है कि प्रिजनर ऑफ वॉर की जो कहानियाँ सुनते हैं वो कितना इनको तकलीफ़ दी जाती है, कितना टॉर्चर किया जाता होगा. द केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर्स टोल्ड बाई वर्ड्स ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्रडिक्टेड. इन द न्यूज़ पेपर द रिपोर्ट्स ऑलवेज दैट वेरेवर द जापानीज आर्मी वेंट द पीपल रिसीव देम ग्लैडली. अब उन्हें न्यूज़ पेपर में पढ़ते हैं जहाँ भी जापानीज आर्मी जाती है वहाँ पर लोग उनको काफ़ी स्वागत करते हैं विद क्राइज ऑफ जॉय एट द लिबरेशन. बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टकीमा हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूएली. अब वो फिर भी एक कोई जनरल टकीमा है जो अपनी वाइफ को याद बहुत मारते हैं, वो भी उनकी भी उनको भी याद करते हैं. दो नोवर मैंशन इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियसली अ बैटल इन मंचूरिया. और फिर ये जो जनरल टकीमा है मंचूरिया में काफ़ी बहादुरी से एक लड़ाई लड़े थे. इफ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूएल टू अ वुमन इन हिज पावर, would he not be cruel to one like this? For instance, she hoped anxiously that this young man had been tortured. वो सोचती है कि इस आदमी को काफ़ी टॉर्चर किया गया होगा जो अमेरिकन प्रिजनर है. इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक. अब वो देखती है कि उसके जो गले पर भी गहरे चोट के निशान हैं. दो स्कार्स, शी मर्मर्ड डिफ्टिंग हर आइज टू सडाओ, बट ही डिड नॉट आंसर. At this moment, he felt the tips of the instruments strike against something hard. अब चूँकि ऑपरेशन कर रहे हैं तो उनका जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसी हार्ड चीज़ से जाके टकराता है नियर किडनी, जो कि किडनी के पास है. ऑल थॉट लेफ्ट हिम, ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर. अब उनको काफ़ी खुशी होती है कि चलो अब हम जो बुलेट है उसके पास पहुँच गए हैं. ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स डेलिकेटली फैमिलियर विद एवरी एटम अब इस ह्यूमन बॉडी. अब उसकी बॉडी को देख ठीक से वो अपनी उंगलियों से मतलब उसको ऑब्जर्व करते हैं. हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज. इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्वेंट्स कार्डिनल सिन. उसके जो अमेरिकन जो सर्जन थे जिन्होंने उनको सर्जरी पढ़ाई थी वो कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी की जो इग्नोरेंस है और ह्यूमन बॉडी को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही बड़े पाप होगा. He had thundered at his classes every year.
To operate without as complete knowledge of the body as if you had made it anything less than that is murder. कह रहा कि अगर हम पूरी एनाटॉमी को बिना समझे और किसी का ऑपरेशन करते हैं तो वो एक मर्डर जैसा होगा. It is not quite at the kidney, my friend, Sadao murmured. कह रहा कि किडनी के पास नहीं है. It was his habit to murmur to the patient when he forgot himself in an operation. My friend, he always called his patient, and so now he did, forgetting that this was his enemy. अब उसको याद आता है कि हम ये आदमी हमारा दुश्मन है. Then quickly, with the cleanest and most precious incision, the bullet was out. अब वो इंस्ट्रूमेंट को काफ़ी अंदर डालते हैं और जो बुलेट है उसको निकाल देते हैं. The man quivered, but he was still unconscious. The man कराहता है लेकिन फिर भी वो बेहोश है. Nevertheless, he muttered a few English words. फिर इंग्लिश में कुछ वो वर्ड्स बोलता है. Guts, he muttered, choking. They got my guts. तो मैं वो बोलता है, they got my guts. Sadao है ना, cried sharply. Hush, Sadao said. The man sank again into silence. फिर वो आदमी फिर बेहोश हो जाता है. So perform the Sadao took up his wrist, hating the touch of it. तो अपना वो हाथ वहाँ से हटा लेते हैं. Yes, there was still a pulse so faint. अभी भी देखते हैं उसकी जो नाड़ी है वो चल रही है. सो फीबल, बहुत ही हल्के से चल रही है. बट इनफ इफ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव टू गिव होप. बट सडनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव. तो भाई वो चाहते कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आदमी जिंदा ना रहे. नो मोर एनेस्थेटिक, ही सेड. ही टोल्ड हैना. ही टर्न एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड, एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन ही चूज अ स्मॉल वायल एंड फ्रॉम इट फिल्ड अ हाइपोडर्मिक एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म. अब वो वहाँ से एक इंजेक्शन निकालते हैं, उसको लेफ्ट आर्म में लगा देते हैं. देन पुटिंग डाउन द नीडल ही टुक टू द मैंस रिस्ट अगेन. फिर वो उसका जो रिस्ट को पकड़ते हैं. द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस. एक दो जो पल्स है फिर भी हल्के हल्के चल रही है. दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड. तो बोलते हैं कि आदमी बच जाएगा. द यंग मैन वोक सो वीक, हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड. अब वो आदमी जो है होश में आ जाता है, उसकी आंखों में अभी भी डर समाया हुआ है. When he perceived where he was, जिसको पता चलता है कि वो अभी कहाँ पर है. That Hannah felt compelled to apologize. She herself served him, for none of the servants would enter the room. वो हैना ने काफ़ी इसकी सेवा की थी. When जब उसके नौकरों ने मना कर दिया था. When she came in the first time, she saw him summon his little strength to be prepared for some fearful thing. अब जो हैना इसके पास आती है, सोचती है, समझती है कि आदमी कुछ कहना चाह रहा है. Don't be afraid, she begged him softly. वह कहती है, तुम डरो मत. How come you speak English? He guessed. तो अब वो अमेरिकन जो पूछता है, तुम इंग्लिश कैसे बोल पा रही हो. I was long time in America, she replied. कहती है, हम अमेरिका में बहुत साल रहे हैं. She saw that he wanted to reply to that, but he could not. वो समझ सोचती है ना, को लगता है कि कोई जवाब देना चाह रहा है, लेकिन वो इतना कमज़ोर है कि वो जवाब नहीं दे पा रहा है. Now you will soon be strong. तो कहती है, तो अब तुम जल्दी ही तंदुरुस्त हो जाओगे. ही डिड नॉट आंसर, जवाब नहीं देता है. व्हेन सदाव केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, ही फाउंड द यंग मैन सेटिंग अप हिज फेस बोल्डनेस विद हिज एफर्ट. जब सदाव तीसरे दिन ऑपरेशन के तीसरे दिन आते हैं, इसको देखने आते हैं, तो देखते हैं कि आदमी जो है अमेरिकन सोल्जर, वो आराम से बैठा हुआ है. हिज फेस बोल्डनेस विद एफर्ट, और उसके फेस में काफ़ी बोल्डनेस है, मतलब काफ़ी शक्ति दिखाई दे रही है. लाई डाउन, सडाओ क्राई. डोंट यू वॉन्ट टू डाई. उसे कहते हैं, तुम लेट जाओ. ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन द वुंड. उसको लेटा के उसका जो घाव है वो देखते हैं. यू मे किल योर सेल्फ इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कोल्डेड. वॉट आर यू गोइंग टू डू विद मी. तो अमेरिकन जो है पूछता है, तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो. ही लुक जस्ट नाउ बेरली 17. अब केवल 17 साल का लग रहा है देखने में. आई यू गोइंग टू हैंड मी, पूछता है क्या तुम हमको पुलिस या आर्मी को सौंप दोगे. फॉर अ मोमेंट सडाओ डिड नॉट आंसर. ही फिनिश्ड एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन. सडाओ कोई जवाब नहीं देते हैं उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर उसका जो रजाई है वो डाल देते हैं. आई डू नॉट नो माई सेल्फ वॉट आई शेल डू विद यू. कहते हैं, हमें पता नहीं है तुम्हारे साथ क्या करेंगे. I ought of course to give you to the police. हमें तुम्हें पुलिस को दे देना चाहिए. यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर. No, do not tell me anything. He put up his hand as he saw the young man was about to speak. अब वो लगता है कि आदमी कुछ कहना चाह रहा है.
डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क यू, कहते थे अपना नाम भी हमें मत बताओ. दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल. वो आदमी अपनी आंखें बंद करके दीवार की तरफ देखने लगता है. ओके ही विस्पर्ड हिज माउथ अ बिटर लाइन. आउटसाइड द डोर हैना वेटिंग फॉर सडाउ, दरवाजे के बाहर हैना सडाउ का वेट कर रही है. ही सॉ एट वंस दैट शी वाज इन ट्रबल. सडाउ यूमी टेल्स मी Sadao, Yumi tells me the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore, she said. तो ये हैना बोलती है कि जो servants का ये कहना है कि अगर वो उस आदमी को यहाँ रखते हैं तो वो यहाँ पर नहीं रहेंगे. She tells me that they are saying that that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our country first. वो नौकर ये कहते हैं कि तो आप लोग इतने चूँकि इतने साल अमेरिका रह गए हैं तो अपने कंट्री का इंटरेस्ट आप भूल गए हैं. They think we like Americans. उनको लगता है नौकरों को कि ये Americans को पसंद करने लगे हैं. It is not true, Sadao said harshly. Sadao बोलते हैं ऐसा ये सच नहीं है. Americans are our enemies, but I have been trained not to let a man die. कहते हैं कि हमें Americans हमारे दुश्मन हैं फिर भी हमें ये ट्रेनिंग दी गई है एज अ डॉक्टर कि हम किसी आदमी को मरने ना दें. द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, और ये बात सर्वेंट्स नहीं समझ पाएंगे. Neither seemed able to say more, and somehow the household dragged on. The servants grew more watchful. अभी जो servants हैं इस पर नज़र रखें कि लोग क्या करते हैं. The curtsy was as careful as ever, but the eyes were cold upon the pair to whom they were hired. It is clear that a master ought to do. अब उनको नौकरों को लगता है कि ये बात बिल्कुल साफ है कि इनके जो मालिक हैं सदाव है ना उनको क्या करना चाहिए. द ओल्ड गार्डनर सेड ही हैड वर्कड विथ फ्लाज ऑल हिज लाइफ एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस. अब जो गार्डनर है वो फ्लाज के बीच में काफ़ी काम किया, काफ़ी फ्लाज को लगाया है तो वो जानता है. फॉर सदाव फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन इन जापान. सदाव के फादर के लिए उन्होंने जो गार्डनर है बहुत ही अच्छा मॉस गार्डन बनाया था. Sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of his surface. That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life. The cook hai wo bolta hai ki ye jo hamara sadao jo master hai wo aadmi ko bachane mein hi kafi proud feel karta hai. She split the fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of the wistara vine. Ab jo ek jo fowl hai hen hai uska wo gala kaat ke uska blood nali mein baha deti hai. Blood is the best of fertilizers and the old gardener would not let her waste a drop of it. Ab kehta hai jo gardener kehta hai ye blood jo hai bahut acha fertilizer ya khad hota hai. Please, my children of whom we must thank you, Yumi said sadly. Yumi जो बोलती है कि हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए. What will be their fate if their father is condemned as a traitor? They did not try to hide what they said from the ears of Hannah. अब जो अपने जो नौकर हैं अपने विचार हैना के सामने रख रहे हैं. As she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose and that she might hear. That they were right, she knew too in most of her being. अब हैना को भी लगता है कि जो नौकर कह रहे हैं बात सही है. But there was another part of her which she herself could not understand. फिर उसका एक दूसरा भी पहलू है जो समझ नहीं पा रही है. It was not sentimental liking of the prisoner. कह रहा है कि समय वो जो है prisoner से इनका कोई sentimental या भावनात्मक attachment नहीं है. She had come to think of him as a prisoner. She had not liked him even yesterday when he had said in his impulsive way, let me tell you that my name is Tom. अब वो उस समय भी इस अमेरिकन को नहीं पसंद करी थी जब उसने अपना नाम टॉम बताया था. She had only bowed a little distant bow. She saw hurt in his eyes, but she did not wish to assuage it. उसने देखा कि इस आदमी की आंखों में अमेरिकन जो सोल्जर काफ़ी दर्द भरा हुआ है फिर भी उसको शांत नहीं करी. इंडीड ही वॉज ग्रेट ट्रबल इन द हाउस. जानती थी कि ये एक मुसीबत है बन के आया है. एज फॉर सडाउ एवरी डे ही एग्जामिन्ड द वुंड केयरफुली. द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट इन द मॉर्निंग. अब वो सडाउ उसको रोज उसके वुंड्स को जो घाव है उसको देखने आते हैं और देखते हैं कि उसका जो आखिरी जो स्टिच है वो भी निकाल दिया गया है.
एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर, कह रही कि 15 दिन के अंदर यानी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सडाउ वेंट बैक टू हिज ऑफिस, और सडाउ अपने ऑफिस जाते हैं एंड केयरफुली टाइप ए लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर, जाके एक लेटर लिखते हैं चीफ ऑफ पुलिस को कि किस तरह से ये आदमी मेरे पास आया और हम किस तरह से इसका इलाज किए हैं। ऑन द 21st day of February द स्केट प्रिजनर वॉज वॉश्ड अप ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, कह रहा 21 February को ये आदमी जो बहता हुआ मेरे घर के पास आ गया था। ऑन द 7 day आफ्टर दैट टू थिंग्स हैपन इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, अब क्या हुआ उसके जो 7 दिन क्या है वो जो आदमी जो सर्वेंट्स थे वो सब छोड़ काम छोड़ के चले गए। दे बिलोंगिंग स्टाइड इन अ लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्शिप, वेन हैना गॉट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वॉज डन, हैना उठती है तो कोई भी काम नहीं किया हुआ हुआ होता है। द हाउस नॉट क्लीन एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, शी न्यू वॉट इट मेंट, शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड बट अ प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, अब वो काफ़ी डर गई थी फिर भी वो अपने को संभालती है। इंस्टेड शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली वेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन एंड शी पेड देम ऑफ एंड थैंक देम ऑल फॉर ऑल दे हैड डन, फिर भी जो है वो अपने को नौकरों को जो उनका जो पैसा होता है तनख्वाह होती है वो दे देती है उनको जाने देती है। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सडाउ सिंस ही वाज अ लिटिल बॉय, और जो कुक और गार्डनर हैं वो तब से काम कर रहे थे जब से सडाउ बहुत ही छोटे बच्चे थे। इन हिज फादर्स हाउस एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, यूमी को भी छोड़ के जाने में काफ़ी बुरा लग रहा था। शी वॉज सो ग्रेविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हैना, इफ़ द बेबी मिसिज मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी, तो कहती है यूमी अगर बच्चा हमको मिस करेगा तो हमको आप बुला लीजिएगा। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़, थैंक यू हैना सेड स्माइलिंग, बट शी टोल्ड हरसेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड, अब हैना को लगती सोचती है कि अब किसी भी हालत में हम यूमी को नहीं बुलाएंगे चाहे मेरा बच्चा चाहे कितना भी रोता हो। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सडाउ हेल्प विद द चिल्ड्रन, वो ब्रेकफास्ट बनाती है सडाउ बच्चों को देखते हैं। नीदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे हैड गॉन, बट आफ्टर हैना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी केम बैक टू सडाउ, अब हैना जो है सुबह का नाश्ता प्रिजनर को पास लेके जाती है। वाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वॉट वी ऑट टू डू, अब पूछती है हम लोग हमें जो देखना चाहिए सही तरीके से हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं। शी आस्क्ड हिम इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली देन वी डू, कहती है जो नौकर भी है वो हमसे ज़्यादा क्लियरली सिचुएशन को देख रहे हैं। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, हम दूसरे जापानीज से इतने अलग क्यों हैं। सडाउ डिड नॉट आंसर बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इनटू द रूम वेयर द प्रिजनर वॉज एंड सेड ब्रूसली, सडाउ उस रूम में जाते हैं जहाँ पे वो प्रिजनर है, कहते हैं टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स, तो कहते हैं आप आज अपने पैर पे खड़े हो सकते हो लेकिन तुम केवल 5 मिनट ही खड़े होना। टुमारो यू मे ट्राई ट्वाइस एज लॉन्ग, कल तुम 10 मिनट ट्राई कर सकते हो खड़े होने के लिए। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, ये अच्छा होगा तुम अपनी ताकत को फिर से रिगेन कर लो। He saw the flicker of terror on the young man's face that was still very pale. अभी भी उस आदमी के जो अमेरिकन है उसके आदमी के फेस पे वो एक डर की भावना को देख रहे हैं। Okay, the boy murmured. Evidently, he was determined to say more. I feel I ought to thank you, doctor. वो कहता है कि हमें आपको धन्यवाद देना चाहिए for having saved my life, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। Don't thank me too early, Sadao said. कोल्डली ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन, कह रहे हैं हमें तुम थैंक मत करो क्योंकि अब आगे तुम्हारे साथ क्या होगा वह पता नहीं है। इन द बॉयज टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, अब वो जो आदमी के उस फेस में वो एक टेरर एक घबराहट या डर देख रहे हैं जैसा कि एक एनिमल में होता है जबकि उसके पहले जब उसको काटा जाता है या सेक्रीफाइस किया जाता है। द स्कार्स ऑन हिज फेस नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट, इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड, अब दोपहर में क्या होता है हैना वर्किंग हार्ड ऑन अन अकस्टम लेबर सॉ अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, हैना देखती है कि एक मैसेंजर आता है ऑफिशियल यूनिफॉर्म में। हिज हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, अब वो देख के घबरा जाती है। द सर्वेंट मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, शी रैन टू सडाउ गैस्पिंग अनएबल टू अटर अ वर्ड, वो दौड़ के सडाउ के पास जाती है। बट बाई देन द मैसेंजर हैज सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देयर इज स्टूड शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली। सडाउ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक,
He was in his office, and the other partition which was thrown open in the garden for the sun and sunshine. What is it? He asked the messenger. The messenger पूछते हैं तुम क्यों आए हो? And then he rose, seeing the man's uniform. You are to come to the palace, the man said. The old general is in pain again. अब चूँकि आर्मी का मतलब कोई सोल्जर था, वो आके कहता है कि आपको जनरल के घर में आना है क्योंकि उनको काफ़ी पेन हो रहा है. ओ हैना ब्रीद इज दैट ऑल. तो अब हैना को काफ़ी अस्वस्थ हो जाती है. चलो ये सिर्फ अमेरिकन जनरल जो है उसने सडाओ को बुलाया है. ऑल द मैसेंजर एक्सक्लेम Is that enough? Is it not enough? Indeed it is, she replied. I am very sorry. When Sadao came to say goodbye, she was in kitchen, doing nothing. The children were asleep, and she sat merely resting for a woman, more exhausted from his fright than from work. अब जब आदमी चला जाता है मैसेंजर से, वो काफ़ी उसकी घबराहट कम हो जाती है. आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड. वो कहती है कि हमें लगा कि वो अमेरिकन को सोल्जर को अरेस्ट करने आए हैं. ही गेज्ड डाउन इनटू हर एंग्शियस आईज, तो वो उस अमेरिकन सोल्जर की आंखों में देखती है. आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, कहती है कि हम इस आदमी से छुटकारा पा लेना चाहिए. ही सेड इन डिस्ट्रेस, सम हाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम. ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, आई अंडरस्टैंड फुली. तो जब वो जनरल को देखने जाते हैं तो जनरल को सारी बात बताते हैं. जनरल बोलते हैं कि आई अंडरस्टैंड फुली, बट दैट इज़ बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन, सो फ्यू जापानीज़ हैव. आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सेलेंसी, सडाओ कहते हैं हम इस आदमी की परवाह नहीं करते. बट हैविंग ऑपरेटेड हिम विद सच सक्सेस, कह रहा हमने केवल इसका एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है, इसलिए हम इसके लिए थोड़ा फिक्रमंद हैं. यस सेड द जनरल, सेड Yes, yes, said the general. It only makes me feel you are more indispensable to me. वो कहता है कि हम तुम्हारे बिना, जनरल तुम्हारे बिना, डॉक्टर से कहते हैं कि तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चल सकता. Evidently you can save anyone, और तुम तो किसी को भी बचा सकते हो. You say you think I can stand one more such attack as I have had yesterday. वो अमेरिकन जो जनरल बोलता है जापानीज जनरल की हम क्या जो हमें कल अटैक हुआ है, क्या आपको लगता है कि हम एक और अटैक बच सकते हैं? देन सडनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, जो बोलता है कि हम आपको कुछ होने नहीं देंगे. जनरल सेड विद एंग्जाइटी, हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस. अब उनका जो फेस अमेरिकन फेस पे जो जापानीज जनरल है उसका फेस पे एक्सप्रेशनलेस हो जाता है. Which meant you that he was in deep thought. अब अमेरिकन जनरल सोचता है कि हम क्या करें. यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, द जनरल सेड. क्या मैं तो जनरल बोलता है कि सडाओ से कि तुमको अरेस्ट नहीं किया जा सकता. क्लोजिंग हिज आइज, सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैव टू हैड एंड माई ऑपरेशन. कह रहा है कि अगर मान लो हम तुमको अरेस्ट कर लें और तुम्हें डेथ सेंटेंस दे दिया जाए, फांसी की सजा दे दी जाती है, और अगले दिन हमें ऑपरेशन करना पड़े तो मेरा क्या होगा? There are other surgeons, Excellency. तो सड़ा बोलते हैं कि वहाँ पर जापान में और भी एक सर्जन हैं जो आपको ऑपरेशन करेंगे. None I trust, the general replied. जनरल बोलते हैं हम किसी और सर्जन पर विश्वास नहीं करते. The best ones have been tried by Germans and would consider the operation successful even if I died. I do not care for their point of view, his side. It seems a pity that we cannot better combine the German ruthlessness with the American sentimentality. Then you could turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you could not murder me while I was unconscious. तो कहते हैं कि तुम तो जो prisoner को है, जो तुम्हारा prisoner है, उसको फांसी की सजा दी जा सकती है, लेकिन तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते. He had an unusual sense of humor, as a Japanese could not combine these two foreign elements. Sadao smiled. I am not quite sure, he said, but for your sake I would be willing to try excellency. कह रहा है हम आपके लिए जो भी अच्छा हो सकता है हम करेंगे, डॉक्टर सडाओ बोलते हैं. द जनरल शुक हिज हेड. आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, ही सेड. तो कहते हैं कि तो मेरे को अपने को सिर्फ टेस्ट का एक वो गिनी पिग मत बनाना.
He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in the times such as these. Repeated victorious brought great responsibility all over the South Pacific. It is very unfortunate that this man should have washed up on your doorstep. तो ये कहते हैं, जनरल बोलता है कि ये बहुत ही दुखद घटना है कि आदमी तुम्हारे घर के पास बहता हुआ आ गया. I feel it to myself, Sadao said gently. It would be best if he could be quietly killed. The general बोलता है कि अच्छा तो ये होगा कि इस आदमी को हम जान से मार दें. Not by you, but by someone who does not know him. ऐसे तुम्हारे हाथ से इसको नहीं मरवाएंगे, पर किसी ऐसे आदमी से मरवाएंगे जो इसको न जानता हो. आई हैव माई ओन प्राइवेट assassins. से बोलता है कि हमारे अपने प्राइवेट assassins, मतलब ऐसे किलर्स हैं जो इसको मार सकते हैं. सपोज़ आई सेंड टू ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट और बेटर एनी नाइट. कह रहा है कि हो सकता है हम आज रात या किसी अगली रात हम दो किलर्स को भेजें तुम्हारे घर. यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, और तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है. इट इज़ नाउ वॉर्म. What would be more natural than that you should leave the other partition of the white man's room open to the garden. कहा कि तुम रात को जो है इसके जो वाइट अमेरिकन सोल्जर है उसके रूम का जो है दरवाज़ा खुले रखना. सर्टनली इट विल बी वेरी नेचुरल, सडाओ एग्रीड. इन फैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट. कह रहा है कि वो दरवाज़ा तो खुला ही रहता है. गुड, द जनरल सेड योरिंग. दे आर वेरी केपेबल असैसिंस. दे मेक नो नॉइज एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्रीडिंग. वो कहते हैं कि जो हमारे जो असैसिंस हैं, जो किलर्स हैं, बहुत ही एक्सपर्ट है आदमी को मारने में और खून भी नहीं बहेगा. इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी. अगर तुम कहो तो हम किलर्स को कहेंगे कि वो बॉडी को भी वहाँ से हटा दें. सडाओ कंसिडर्ड दैट परहैप्स वुड बी द बेस्ट. तो कहते हैं सडाओ कहता है हाँ ये सबसे अच्छा होगा. ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम थिंकिंग ओवर द प्लान. अब वो इस प्लान के बाद जनरल के घर से वापस आ जाता है. इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड. अब सोचता है चलो हम इससे अब छुटकारा पा जाएंगे इस अमेरिकन सोल्जर से. ही वुड टेल हेना नथिंग सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असैसिंस इन द हाउस. अपनी सोचता है कि हम हेना को कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि वो जब जो सुनेंगे कि किलर्स इससे घर आके इसको मारेंगे तो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएगी. एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स असेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वॉज. हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम. कह रहा है कि ये तो बहुत नेचुरल है, अगर ये सब ना किया जाए तो जो शासक हैं अपने दुश्मनों से कैसे का सामना कैसे करेंगे. ही रिफ्यूज टू अलाउ एनी थिंग बट रीज़न टू बी द एटमोसफियर ऑफ हिज माइंड एज ही वेंट इनटू द रूम वेयर द अमेरिकन वॉज इन बेड. तो अमेरिकन के रूम में जाता है. बट एज ही ओपन द डोर टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड. वो देखता है कि वहाँ पे आदमी बेड में नहीं है. एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन. व्हाट इज़ दिस, ही एक्सक्लेम्ड. वो पूछता है तो ये क्या कर रहे हो. Who gave you the permission to leave your room? तुमसे किसने कहा कि तुम कमरे से बाहर जाओ. आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली. तो वो जो टॉम बोलता है कि हमारी ये आदत नहीं कि हम किसी से परमिशन लें. गॉस आई फेल्ट प्रीटी गुड अगेन. कह रहा हमें आज अच्छा लगा. बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ. तो कह रहा है कि जो जिस तरफ मेरा ऑपरेशन हुआ है उस तरफ की मसल्स के हरदम स्टिफ रहेंगी या कड़ी रहेंगी. Is it so? Sadao inquired. Sadao बोलते हैं क्या ऐसा है. He forgot all else. Now I thought I had provided against it. He murmured. He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing scar. उस आदमी का शर्ट उठाते हैं अमेरिकन का और जहाँ पर घाव था उसको देखते हैं. मसाज में डो इट, ही सेड. कह रहा यहाँ पर मसाज करने से ये ठीक हो जाएगा. It won't bother me much, the young man said. His young face was gone under the stubbly blonde beard. कह रहा कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. से डॉक्टर आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू. कह रहा हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं. इफ़ आई हैडन्ट मेट अ जैप लाइक यू वेल आई वुडन्ट बी अलाइव टुडे. अगर हम आप जैसे जापानीज से ना मिले होते तो आज आप जिंदा नहीं रहते. सड़ा बोर्ड बाउड बट ही कुड नॉट स्पीक. श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली. तो आगे वो टॉम बोलता है, हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वाइट एट द नकल्स. तो उसके जो हाथ हैं जो चेयर के को पकड़े हुए हैं, देखता है कि उसके नकल्स जो हैं सफ़ेद पड़ गए हैं. आई गेस इफ ऑल जैप्स वर लाइक यू देयर वुडंट हैव बीन एनी वॉर. वो कहता है टॉम कि अगर सारे जापानीज आप जैसे होते तो ये लड़ाई होती नहीं. परहैप्स सडाओ सेड विद डिफिकल्टी एंड नाउ आई थिंक वी हैड बेटर गो बैक टू बेड. कहते हैं डॉक्टर सडाओ बोले कि तुमको बिस्तर पर लेट जाना चाहिए. ही हेल्प द बॉय बैक into the bed and then bowed. Good night, he said.
सडाव स्लेप्ट बैडली दैट नाइट. अब वो सडाव को नींद नहीं आती है उस रात. टाइम एंड अगेन ही वोक थिंकिंग ही हर्ड द रस्लिंग ऑफ फुट स्टेप्स, द साउंड ऑफ द ट्विग ब्रोकन और अ स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन. वो सोचते हैं कि अब ये जो है कुछ असैसिन जो किलर्स हैं वो आने का समय हो गया है, अब वो आते ही होंगे. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम. If the Americans were gone, then he could simply tell Hannah that so the general had directed. अब वो अगले दिन सुबह जो है उसके रूम में जाके फिर देखते हैं अमेरिकन के कि वहाँ पे है क्या, मार डाला गया है. उसके बाद वो सोचते हैं कि अगर मार दिया गया है, हटा दिए, उसकी बॉडी हटा ली गई है, तो वो हैना को सारे प्लान बताएंगे. Then when he opened the door, he saw at once that there on the pillow was the shaggy blonde head. जब वो दरवाज़ा खोलते हैं देखते हैं कि वो आदमी वहाँ अभी भी लेटा हुआ है. He could hear the peaceful breathing of sleep. अब वो जो सोने में जो सांस लेने की आवाज़ आती है वो उनको सुनाई देती है. He is asleep, he told Hannah. He is almost well to sleep like that. वो कहता है सडाव कि आदमी काफ़ी ठीक हो गया है, अभी आराम से सो सकता है. What shall we do with him? Hannah whispered. Hannah बोलता है अब हमें इसके लिए इसके साथ क्या करना चाहिए. सडाव shook his head. I must decide in a day or two. कह रहा हम एक दो दिन में सोचेंगे क्या करें. But certainly he thought the second night must be the night. अब सोचते हैं कि अब अगली रात ही हमें कुछ करना चाहिए. There rose a wind that night and he listened to the sound of bending boughs and whistling partitions. तो अगली रात जो था हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी और पेड़ के हिलने डुलने की बहने आवाज़ काफ़ी सुनाई पड़ रही थी. हैना वोक टू. ought we not to go and क्लोज द सिक मैंस पार्टीशन. जो कहती है क्या हमें जो इसके रूम का जो पार्टीशन वॉल है उसको बंद नहीं कर देना चाहिए. शी आस्क्ड. नो सेड सडाव. ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर. अगले दिन सुबह अमेरिकन फिर वहाँ पर था चूँकि वो किलर्स आए नहीं थे. देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट. तो अब सोचता है वो अमेरिकन सोचते हैं सडाव कि अब तो हो सकता है तीसरी रात वो किलर्स आके इसको मार दें. द विंड चेंज टू क्वाइट रेन. अब जो हवा चल रही थी वहाँ उसके बाद बारिश होने लगी. द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स. और जो है बारिश होने की वजह से जो वो थे मतलब झरने वगैरह थे वहाँ पे वो बहने लगे. सडाव स्लेप्ट अ लिटिल बेटर बट ही वोक एट द साउंड ऑफ अ क्रैश एंड लीप टू हिज फीट. अब थोड़ी सी आवाज़ सुनाई पड़ती है सडाव को फिर वो जग जाते हैं. What was that? Hannah cried. The baby woke at a voice and began to wail. अब उनकी आवाज़ सुन के जो बच्चा है वो भी जग जाता है और रोने लगता है. I must go and see. But he held her and would not let her move. उसका हाथ पकड़ लेते हैं हैना का जाने नहीं देते. सडाव she cried. What is the matter with you? कहता क्या बात है. Don't go. He muttered. Don't go. कहता है तुम मत जाओ उधर. His terror infected her and she stood breathless waiting. There was only silence. उसको वहाँ जाने से मना करते हैं. Together they crept back into the bed, the baby between them. तो बच्चे को बीच में लेके सो जाते हैं. Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. अब तीसरे दिन सुबह वो दरवाज़ा खोलते हैं तो अभी वो देखते हैं कि वो आदमी अमेरिकन जो है वहाँ पर है. He was very gay and had already washed and was now on his feet. अब वो काफ़ी खुश था और अपने हाथ पर वो धो के काफ़ी आराम से बैठा था. He had asked for a razor yesterday and had shaved himself and today there was a faint color on his cheek. अब कल उसने एक रेज़र मांगा था और आज वो अपनी दाढ़ी बना के बैठा हुआ था. I am well, he said joyously. Sadao drew his kimono around his body. He could not. He decided to suddenly go through another night. सोचता है चलो एक रात और देखते हैं. It was not that he cared for this young man's life. Not simply, it was not worth the strain. You are well, Sadao agreed. He lowered his voice. You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island or not far from the coast. अब वो क्या डॉक्टर सडाव बोलते हैं कि तुम इतने ठीक हो गए हो अगर हम कोई छोटा सा बोट दे दें तो तुम थोड़ा खाने पीने का सामान दे दें तुम वहाँ से यहाँ से तुम आराम से जा सकते हो दूसरे कोस्ट की तरफ. इट इज़ सो नियर द कोस्ट दैट ही हैज़ नॉट बीन वर्थ 45. नोबडी लिव्स ऑन इट बिकॉज इन द स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ज बट दिस इज़ नॉट द सीज़न ऑफ स्टॉर्म. अभी जो सीज़न को कि स्टॉर्म या तेज़ हवाओं का मौसम नहीं है तो जो बोट दे अगर इसको आदमी को एक बोट दे दिया जाए तो ये यहाँ से भाग सकता है. यू कुड लिव देयर अनटिल यू सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय. दे पास
quite near the island because the water is more fathoms deep there. The young man stared at him. अब ये सोच के अब ये बातें सुनकर आदमी जो ये अमेरिकन है वो सड़ाव के मुँह की तरफ देखता है. Do I have to? He asked. क्या हमें ये करना होगा? I think so, सड़ाव said gently. You understand, it is not hidden that you are here. ये सड़ाव बोलते हैं कि ये सबको पता है कि तुम यहाँ पे हो. The young man nodded in perfect comprehension. Okay, he said simply. Sarao did not see him again until evening. As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore. और वहाँ से एक छोटी सी बोट को वो खींच के किनारे की तरफ ले आते हैं. And in it he put food and bottled water. वहाँ पे खाना और पानी वहाँ पे रख देते हैं. And he had bought secretly during the day as well as two quilts. और दो रजाई भी रख देते हैं. He had bought at a pawn shop. The boat he tied to a post in water for the tide was high. There was no moon and he worked without a flashlight. वहाँ पे काफ़ी चाँद भी नहीं निकला हुआ था. When he came to the house, he entered as though he were just back from his work. And so he knew nothing. अब वो सभी आदमी का सारा इंतज़ाम करके भागने का वो उसके बाद वो है वापस आ जाते हैं जैसे कि बाहर कोई काम करके आ रहा हूँ. Yumi was here today, she said as she served his supper. I बोलते Yumi आज आई थी. No, she was so modern. Still, she did not eat with him. Yumi cried over the baby. She went on with the sigh. The servants will come back as soon as the foreigner is gone, Sadao said. तो सड़ा बोलता है कि जब ये फॉरनर अमेरिकन चला जाएगा तो नौकर भी वापस आ जाएंगे. He went into the guest room that night before he went to the bed himself and checked carefully the American temperature, the American's temperature and state of the wound and his heart and pulse. अब वो जो गेस्ट रूम में जाके वहाँ पे अमेरिकन जो हमें सोल्जर है उसका टेम्परेचर और उसके उसके जो वोल्ड है घाव है उसकी हालत को चेक करते हैं. उसका पल्स भी चेक करते हैं. द पल्स वॉज इरेगुलर बट दैट वॉज पर बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट. और पल्स जो है थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा था. द यंग मैन पेल लिप्स वेर प्रेस टुगेदर एंड हिज आईज बर्न ओनली द स्कार्स ऑफ हिज नेक वेर रेड. आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सडाओ. अब वो अमेरिकन बोलता है कि हमें पता है कि आप मेरी लाइफ दूसरी बार बचा रहे हैं. नॉट एट ऑल सर सेड, इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर. कह रहा हम तुम्हारी लाइफ नहीं बचा रहे हैं बल्कि ये मेरे लिए काफ़ी इनकन्वीनियंट हो गया है कि तुम मेरे घर में इतने दिन रहो. ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील अबाउट गिविंग द मैन अ फ्लैशलाइट बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल. तो उन्होंने सामने को एक फ्लैशलाइट भी दे दिया. इट वॉज अ स्मॉल वन हिज ओन विच ही यूज्ड एट नाइट व्हेन ही वाज कॉल्ड. If your food runs out before you catch a boat, it says signal me. कहला अगर तुम्हारा सड़ा बोलेगा अगर तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाता है जबकि तुमको दूसरा बोट ना मिल जाए तो ये फ्लैश लाइट हमको सिग्नल करना. सिग्नल में टू फ्लैशेज एट द सेम इंसिडेंट एंड द सन ड्रॉप्स ओवर द होराइजन. डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस फॉर इट विल बी सीन. कहला कि दिन के समय तुम सिग्नल मत करना. इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देर सिग्नल मी वंस. अगर जब तुम ठीक ठाक रहना तो भी हमें सिग्नल देना कि तुम ठीक हो. यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच बट यू मस्ट ईट दैम रॉ. कह रहा तुम्हें रास्ते में तुम मछली पकड़ सकते हो लेकिन तुम्हें कच्ची उन्हें कच्ची खानी होगी. ओके ये द यंग मैन ब्रीथ. ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन द जापानीज क्लोथ्स विच सडाओ हैड गिवन हिम. सडाओ ने जो जापानीज कपड़े दिए थे वो पहना हुआ था वो अमेरिकन सोल्जर. एंड एट द लास्ट मोमेंट सडाओ रैप्ड अ ब्लैक क्लॉथ about his blonde head. Now, Sadao said, the young American without a word shook Sadao's hand warmly and then walked quite well across the floor. Ab woh aadmi jo hai Sadao se haath milata hai aur bahar chala jata hai. And down the step into the darkness of the garden. Once, twice, Sadao saw him light flashed to find his way. But that would not be suspected. He waited until from the shore there was one more flash. Jab woh kinare pahunch jata tabhi yo फ्लैश देकर सिग्नल देता है लाइट जला के. देन ही क्लोज द पार्टीशन. यू से द मैन स्केप द जनरल आस्ट फेंट. यू से द मैन स्केप द जनरल आस्ट फेंटली. ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर एन एमरजेंसी ऑपरेशन टू सडाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट. तो जनरल अब उसको बताते हैं कि तुम कहना कि आदमी भाग गया है. फॉर 12 आवर्स सडाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव. अब उसको नहीं लगता कि ये जो जनरल जो है बचेगा. द गैल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व.
Then the old man had begun to breathe deeply again and demanded food. Sadao had not been able to ask about the assassin. तब वो इसके जनरल की हालत ख़राब है तो वो assassin के बारे में नहीं पूछ पाता. So far as he knew, he had never come. The servants had returned and Yumi had cleaned the guest room thoroughly and had burned sulfur. अब जो इसके जो नौकर चाकर हैं वो वापस आ जाते हैं. Nobody said anything. Only the gardener was cross because he had got behind with his chrysanthemums. But after a week, Sadao felt the general was well enough to be spoken to about the prisoner. अब एक हफ्ते बाद जो जनरल की हालत ठीक हो जाती है अब वो इसके उसके बारे में इस प्रिजनर के बारे में बताते हैं. यस एक्सेलेंसी ही एस्केप्ड. वो कहते हैं सडाओ की जो प्रिजनर था वो भाग गया. सडाओ नाउ सेड ही कफ्ड सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड बट वाज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर. बट द ओल्ड मैन ओपन हिज आईज सडनली. द प्रिजनर ही सेड विद सम एनर्जी डिड नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू. तो कहते हैं कि प्रेसिडेंट हमने तो तुमसे कहा था हम अपने असैसिन भेजेंगे जो कि मार देंगे. यू डिड एक्सेलेंसी सडाओ सेड. कह रहा आपने हाँ तो हाँ वैसे ही किया. वेल वेल द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट सो आई डिड बट यू सी आई वाज सफरिंग अ गुड डील. कह रहा कि हमने तो उस आदमी को मरवा दिया. द ट्रूथ इज आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ इन शॉर्ट फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू. कह रहा कि हम जो है इतने परेशान थे अपनी हालत से कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाए. आई वंडर्ड योर एक्सेलेंसी सडाओ मोहम्मद. It was certainly very careless of me, the general said. But you understand it was not lack of patriotism or dereliction of duty. He looked anxiously at his doctor's doctor. कह रहा कि ये जनरल बोला कि ये इसलिए नहीं हुआ कि हमें राष्ट्रभक्ति की कमी थी या हम अपने ड्यूटी के प्रति वफादार नहीं थे. He looked anxiously at his doctor. If the matter should come out, you would understand that I wouldn't do. That wouldn't you? Certainly, Your Excellency, Sadao said. He suddenly comprehended that the general was in the palm of his hand, and that as a consequence, he himself was perfectly safe. I could swear to your loyalty, Excellency, he said to the old general. You are a good man, the general murmured and closed his eyes. You will be rewarded. But Sadao, searching the spot of black in the twilight sea that night, had his reward. There was no prick of light in the dusk. अब वो जाके रात में देखते हैं कि कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था उस अमेरिकन की तरफ से. No one was on the island. His prisoner was gone. अब वो आदमी चला गया था. He stood for a moment on the veranda, gazing out to the sea from whence the young man had come that other night. अब वो वरांडा पे खड़े होकर देखते हैं कि वो आदमी कब वो कैसे आया था. And into his mind, although without reason, there came out white faces he had known. He remembered his old teacher of anatomy who had been so insistent on mercy with the knife. अब वो अपने जो एनाटॉमी के प्रोफेसर थे वो उन्होंने क्या शिक्षा दी थी उसके बारे में वो याद करते हैं. He had a great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. The Americans were full of prejudice and that it had been better to live in it. Knowing himself is superior. However, he had despised the ignorant and dirty old woman who had at last consented to house him in her miserable home. अपनी पुरानी बातें वो याद करते हैं. Strange, he thought, I wonder why could not kill him. वो आखिर में सोचते हैं कि हम ये बड़ी अलग बड़ी स्ट्रेंज घटना है कि हम क्यों नहीं इस आदमी को अमेरिकन को मार पाए. This way we come to the end of the story, the enemy. Thank you. चलो आ रहे हैं.